हेलो क्लास टेंथ, हाउ आर यू। केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, स्ट्रांग बेसिस, वीक बेसिस, इसके बारे में डिटेल में बहुत कुछ सीखा था। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में ऑलरेडी हम कुछ बातें कल कर चुके थे। तो सबसे पहले बेसिस हैव बिटर टेस्ट, ऑलरेडी यू नो बेसिस हैव बिटर टेस्ट, मींस इनका कड़वा स्वाद होता है। ठीक है, नंबर टू, बेसिस फील सोपी टू टच। ओके, फील सोपी टू टच, छूने पर ये साबुन जैसे या चिकने लगते हैं। ठीक है, और नंबर थर्ड, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और नंबर फोर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये फोर तो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो शायद आप पहले से ही जानते होंगे। अब हम बात करेंगे नंबर फाइव, बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। आपने देखा होगा कि जनरली एसिड्स भी जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। यहां पे भी जब बेसिस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, तो रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ओके, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब जिंक की रिएक्शन, जिंक क्या है, मेटल है, और जब NaOH बेस के साथ कराते हैं, ओके, तब सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ओके, ये सोडियम जिंकेट है और ये सॉल्ट है। ठीक है, क्या है ये, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। ओके, बैलेंस कराने के लिए टू लगा लेते हैं। ओके, तो मेटल प्लस बेस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस सॉल्ट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। ओके, लेकिन यहां पर यह याद रखना पड़ेगा कि ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते। ओके, या हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म होती। चलिए नंबर सिक्स हम बात करते हैं, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड वाली प्रॉपर्टीज में, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं या बेस एसिड के साथ रिएक्शन करें, सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है। ओके, तो क्या होगा, बेसिस प्लस एसिड्स तो सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर। ओके, एग्जांपल वही ले लेते हैं हम कि HCl एसिड है, NaOH बेस है,
तब NaCl सॉल्ट बनता है प्लस H2O वाटर। ओके, कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे NOH प्लस H2SO4 है, NaOH प्लस H2SO4, तब यहां पर क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O वाटर। ठीक है, बैलेंस कराने के लिए यहां पर 2 ले लेते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये तो जनरली कॉमन हो गई दोनों में, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जनरली आपने देखा होगा एसिड्स मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। ओके, तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, बेस है, और ये जब CO2 गैस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2O। ये आप जानते ही हो इस रिएक्शन के बारे में, ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना खरीद के लाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, और उसमें जब CO2 मिलाते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो यहां पर ये सॉल्ट बना, ये सॉल्ट है और ये वाटर। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसके बाद यूजेस ऑफ एसिड्स और यूजेस ऑफ बेसिस की बात करें तो आप लोग जानते ही हो कि एसिड्स का यूज जनरली कहां कहां होता है, बेसिस का यूजेस कहां कहां होता है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस सॉल्यूशन, पीएच स्केल। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज के यूजेस के बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि यूजेस से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यूजेस ऑफ एसिड्स, ओके, तो एसिड्स के यूजेस के बारे में है यदि हम बात करें। ओके, तो जनरली एसिड्स का जो यूजेस है, मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे क्या बनाया जाता है, पेंट्स, डाइज, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे H2SO4 है, ठीक है, इससे क्या क्या बनता है, इससे बनता है सल्फ्यूरिक एसिड से पेंट्स, डाइज, कलर बनते हैं। ओके, केमिकल्स हैं। ओके, प्लास्टिक है। ओके, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, कार बैटरीज, जिसमें H2SO4 का यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रिक एसिड HNO3 है, इसका यूज फर्टिलाइजर्स बनाने में, फर्टिलाइजर्स। ओके, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, इसमें HNO3 होता है, ऐसी एक्सप्लोसिव में कौन कौन से, TNT है, ठीक है, TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, और डाइज, प्लास्टिक। ओके, इसके अलावा HCl है,
HCl का यूजेस, रिमूविंग ऑक्साइड फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स, ओके, रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स पे जब ऑक्साइड की एक फिल्म या परत बन जाती है तो उसे रिमूव कराने के लिए, ठीक है। इसके अलावा टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज। चलिए अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ बेसिस, ठीक है। यूजेस ऑफ बेसिस की बात करें तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ठीक है, इसका यूज सोप बनाने में, पेपर बनाने में, ओके, और सिंथेटिक फाइबर रेयॉन बनाने में इसमें यूज होता है, ठीक है। और हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, तो इसका यूज जिसे हम सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH का होल ट्वाइस, तो इसे जानते ही होंगे आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो, ठीक है, एंटेसिड, एंटेसिड बनाने में, ठीक है ना, ओके। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा में, इनमें भी यूज होता है। तो ये दीज आर सम यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ओके। जनरली यहां से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में बन जाता है, तो इनको भी आप अच्छे से लर्न कर लें, ओके। पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके। थैंक यू।